आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट और उसके गोल्डन रूल वगैरह। क्योंकि क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपको सारी चीजें बता रखा है और आज भी एक बार शॉर्टकट में रिवीजन करा दे रहा हूँ और फिर आप ट्रांजेक्शन तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि आपने देखा था तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में जहाँ व्यक्तिगत वाली बात आएगी वो पर्सनल अकाउंट होते हैं, जहाँ संपत्तियों की बात आएगी उसे रियल अकाउंट बोलते हैं, और जहाँ लाभ हानि आय व्यय का बात आता है उसे नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, यानी खर्चों का लाभ का ऐसे इसका अकाउंट बोला जाता है, लाभ हानि का अकाउंट, हाँ, या खर्चों का अकाउंट, आय व्यय का अकाउंट सब बोला जाता है इसको। किसको? नॉमिनल को। नॉमिनल को अनरियल भी बोल सकते हैं और वास्तविक भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दिमाग में। तो काफी चीजें यहाँ दिया हुआ है और इसका रूल आपको याद ही होगा, तो सबसे पहले मैं रूल पूछ लूँ कुछ लोग से फिर हम आगे बढ़े। क्यों? यही ना? ठीक है, हाँ अभी हो गया, सब मिलाया होगा। चलिए आप ही खड़े हो जाइए अभी। पाठक, क्या नाम है? पर्सनल कुणाल पाठक, बताइए कुणाल, पर्सनल का रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल क्या कहता है? हाँ पैसा की बात आ गई पहले ही, कैसे की बात आ गई, कैश रियल पर्सनल में कैश आता है? हाँ बस ये वाली है। हाँ वैसे ही कर रहे हैं बच्चे, आप को नहीं मिला वो फ्यूचर करेंगे, जिसको नहीं मिला फ्यूचर नहीं करेंगे। हो गया ना? चलिए बताइए, आपने पढ़ लिए होंगे अब तक, सही बात है कि नहीं? चलिए बताइए बताइए, आ गया देने वाला वर्ड, यही तो वर्ड मैं ढूंढ रहा था। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, रियल का गोल्डन रूल बता दीजिए, रियल का गोल्डन रूल। हाँ हमारी जो नहीं, अपने तरीके से नहीं बताना है ना, आपका तरीका थोड़ी होगा, अकाउंट के तरीके से बताइए। वही तरीका हाँ ठीक है, क्यों लेट आ रहे हो बाबू तुम? और टाइम से आया करिए, क्योंकि सर आज दो लोगों को भगा दिए हैं। तो लड़कियां बोल रहा है ना? हाँ तो बाहर कर दीजिए सर। बैठे बैठे, रियल का गोल्डन रूल क्या है? हाँ कॉन्फिडेंस चाहिए और नहीं बताना चाहिए। ठीक है बैठे, आप बताइए, आप नॉमिनल का गोल्डन रूल क्या कहता है? तो नॉमिनल का गोल्डन रूल क्या कहता है, बस इतना बताइए। लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ या इनकम हुआ तब क्रेडिट होगा, और लाभ हुआ या एक्सपेंस हुआ तो डेबिट होगा। समझ में आ गई बात?
याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको वो सब टर्म नहीं याद रहेंगे तो आप कोई ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे। अब समझिए ध्यान से, एक बार फिर शॉर्टकट के में बैठ जाइए कि अगर किसी व्यक्ति जगह स्थान का नाम आता है तो हम उसे पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, या ड्राइंग या कैपिटल की भी बात आती है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि अगर कोई देने वाला है तो क्रेडिट और पाने वाला है तो डेबिट। रियल का गोल्डन रूल कहता है कि कोई धन वस्तु या संपत्ति व्यापार से जाएंगी तो क्रेडिट होंगी और आएंगी तो डेबिट होंगी। और दूसरी चीज ये है कि नॉमिनल का जो गोल्डन रूल है वो कहता है कि अगर प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ तो डेबिट। बस यही नॉर्मल रूल याद रखते रहिए। अब मैं नोट पैड ओपन कर रहा हूँ, कुछ बेसिक चीजें जो मुझे समझानी है याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो तीन चीजें मैं बताऊंगा, क्या समझिएगा। क्या होगा आपको भी आदत लग गई क्या इन लोगों की? स्टार्ट बिजनेस ऑफ आरएस 50,000। पहला क्वेश्चन, क्यों बार बार कैपिटल हो जा रहा है? ये तीन क्वेश्चन और तीनों का मतलब एक ही बस घुमाया गया है। और याद रखिएगा, जब ट्रांजिशन में बिजनेस शुरुआत की बात आपको जहां क्वेश्चन पड़ती है आपको ये महसूस हो जाए कि बिजनेस की शुरुआत हो रही है, तो हम दो ही अकाउंट बनाते हैं, किसका? एक बनाते हैं कैश का और एक बनाते हैं कैपिटल का। याद रखिएगा, जब भी बिजनेस की शुरुआत होगी हम दो ही अकाउंट बनाते हैं, कैश का और कैपिटल का। याद रखिएगा, जहां आपको मैंने बता दिया कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रिएट होता है। कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रिएट होता है। तो जब ये क्रिएट हो गया तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन हमको लॉजिक देखना है, लॉजिक ढूंढना है कि क्या लॉजिक है कि डेबिट होगा। तो मान लीजिए ये राकेश है और ये उसका बिजनेस है, और राकेश ने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, 50,000 रुपया। क्या लगाया? 50,000 रुपया लगाया और कहा ए बिजनेस चल शुरू हो जा। और हमें किस हिसाब से सोचना है, हमें सोचना है बिजनेस के हिसाब से। किसके हिसाब से? बिजनेस के हिसाब से सोचना है। तो ये बताइए, 50,000 बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस में आ रहा है। क्या आ रहा है? 50,000 कैश आ रहा है। कैश आ रहा है तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट कहता है कि कोई भी धन वस्तु या सामान जो भी है अगर व्यापार में आएंगी उसको डेबिट करेंगे और जाएंगी तो क्रेडिट। तो यहाँ आ रही है इसलिए कैश को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया है, और कैपिटल को क्या कर दिया है, यानी बिजनेस स्टार्ट होगा तो दो ही अकाउंट हम बनाएंगे ही, कैश का और कैपिटल का, जहाँ कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्या होगा, फिक्स है। तो चाहे तीन क्वेश्चन देके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। क्या क्या? राकेश स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कमेंस का मतलब भी स्टार्ट ही होता है, या राकेश स्टार्ट है बिजनेस विद कैपिटल, तो भी कोई अंतर नहीं है, दो ही अकाउंट बनेगा। जब भी बिजनेस शुरुआत होगा दो ही अकाउंट बनेगा, यानी यहाँ भी बनाएंगे कैश अकाउंट, अकाउंट क्या डेबिट, और क्या कैपिटल अकाउंट,
क्रेडिट। अभी टू वाली बात बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल में तीनों के लिए यही सेम होगा। आप लोग तीनों क्वेश्चन लिखिए और तीनों का आंसर लिखिए फटाक से। जब हम लोग जनरल एंट्री करेंगे तो वहां सारी चीजें यूज करेंगे या फिर आगे। पहले फिलहाल में क्रेडिट कौन है डेबिट कौन है सिर्फ ये पहचाने। अभी टू लिख दूंगा कई लोग टू समझ ही नहीं पाएंगे। हो गया जी, हो गया। हाँ तो देखिए आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। जब भी बिजनेस की शुरुआत होगी हम दो ही अकाउंट बनाएंगे कैश और कैपिटल का। और याद रखिएगा तीन लाइनों में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जहां भी आपको लगेगा बिजनेस की बात है कि स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, स्टार्ट वाली बात जरूर आनी चाहिए, चाहे कमेंट्स लिख किया है चाहे स्टार्ट लिख किया है। हम क्या लिखे हैं तो क्यों पूछ रहे हैं जब मैं बता दिया तीन बार एक ही बात बोल चुका मैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बात ही खत्म हो गई तो क्यों आप एक ही बात आप लोग बोलने दीजिए उनको। वो दिक्कत है क्या यहाँ तक? चलिए अब आप जानते हो कि बिजनेस में दो चीजें कॉमन है क्या, परचेज और सेल्स। तो चूंकि बहुत सारे क्राइटेरिया आगे हैं लेकिन स्टार्टिंग में हम परचेज गुड्स वाली बात करते हैं। तो जब तक परचेज गुड्स है तब तक हम कुछ पैटर्न बता रहे हैं, आपको दिमाग में रखिएगा वही पैटर्न पे काम करना रहेगा मैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन लिखिएगा।
ये चार क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन लिख जाइए आप लोग। पर आप वो जो चैट बनाते हो लोग वो वाला सर वो पॉइंट है वो कैसे आता है कुछ लोग प्लीज भी काम पे कुछ लोग सर थोड़ा समझ में आ गया तो किसी ने बनाया नहीं मेरे को बहुत सही चैट है ऐसा है कि वो सारे ट्राई कर हो गया आपका वो स्कूल ही था और गैप थोड़ी रही होगा क्योंकि आंसर लिखवाना है बीच पे है ना ठीक लिया नहीं चाहिए तो देख रहे हैं हमने कितना गैप पड़ा एटलीस्ट 3 लाइन तो होनी चाहिए थोड़ा सा कुछ मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, शायद वो ट्रिक बहुत आसानी से आप समझ सके। ये ट्रिक होता नहीं, कोई बताता नहीं है, मैंने खुद से एक डेवलप किया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। हम आई थिंक जो लोग अकाउंट पढ़े होंगे वो लोग देखेंगे ध्यान से, उनके लिए भी ये चीज बहुत आसान हो जाएगी। याद रखिएगा जब भी परचेज की बात आएगी, जब भी परचेज गुड्स, परचेज गुड्स गुड्स, तब हम क्या बनाएंगे सबसे पहले? वो पतला हो गया ना, सुनिए। हाँ समझिएगा थोड़ा सा, एक बार थोड़ा मोटा कर ले इसको, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जब भी परचेज आएगी हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे, किसका बनाएंगे? परचेज का, परचेज का अकाउंट बनाएंगे। और उसको क्या करते हैं, परचेज का नेचर क्या होता है बताया थे सेल्स अकाउंट में, एक प्रकार का खर्च माना जाता है। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है, नॉमिनल में एक प्रकार का खर्च माना जाता है, खर्चों को करते हैं डेबिट। और परचेज करते हैं तो उस मामले में कैश जाता है कि आता है? आता है, आता है, मतलब सामानों आ जाएगा, पैसों आ जाएगा, जाता है। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कहता है कि कोई भी धन या वस्तु जाए तो क्रेडिट होगी, यानी टू कैश अकाउंट। क्या बनाएंगे? टू कैश अकाउंट, या तो कैश अकाउंट। अच्छा बताओ, या तो आप नगद खरीदोगे या तो उधार खरीदोगे, दो ही काम करोगे। अच्छा उधार करते हैं तो क्या करते हैं आप, उस आदमी का नाम लिख देते हैं। तो यही समझ लीजिए कि जब भी परचेज की बात आएगी परचेज का अकाउंट बनाएंगे, और परचेज दो माध्यम से होगा, या तो नगद होगा या तो उधार। जब भी उधार होगा किसका नाम लिखेंगे? पार्टी का नाम लिख देंगे। किसका नाम लिख देंगे? पार्टी का नाम लिख देंगे। हाँ कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, अब क्वेश्चन थोड़ा अटेंड किया जाए।
पहला चीज पढ़ते मिल गया क्या, परचेज पहले मिल गया ना, किसी का अकाउंट बनाएंगे, परचेज का अकाउंट बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, डेबिट की क्रेडिट डेबिट कर देंगे, ठीक है, अकाउंट डेबिट हो गया माली। अच्छा अब टू लिखेंगे, टू क्रेडिट के लिए लगा जाता है, जो हमने कहा कि आप लोग सीआर लिख दीजिए, सीआर नहीं लिखा जाता है, हम क्रेडिट से पहले टू शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या लगाते हैं, कब डेबिट के आगे डेबिट लगाएंगे, लेकिन क्रेडिट से पहले क्रेडिट नहीं लगाया जाता, टू शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने लिखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू कैश या पार्टी का नाम, क्वेश्चन पढ़िए कहीं भी कैश का जिक्र है, आप देख सकते हैं यहाँ कैश का जिक्र है, कैश का जिक्र है तो यहाँ क्या लिख देंगे, कैश लिख देंगे, बात खत्म होंगे, बस यही बनाना है, हो गया। और अमाउंट लिख देंगे नीचे भी 2000 रुपया, क्रेडिट के सामने 2000 रुपया और डेबिट के सामने भी कितना लिख देंगे 2000 रुपया, बस ट्रांजेक्शन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, बाद में लिखिएगा, पहले समझिए आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी क्या है, परचेज हो रहा है, पहला अकाउंट क्या बना लेंगे, परचेज का बनाएंगे और उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्रेडिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम, क्वेश्चन में कहीं भी कैश का जिक्र है नहीं, क्वेश्चन में एक शब्द लिखा हुआ है क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब होता है उधार, और अभी जस्ट मैंने बताया कि जब भी उधार की बात आएगी हम क्या करेंगे, पार्टी का नाम लिख देंगे, पार्टी का नाम क्या है, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला क्वेश्चन परचेज है, कौन से अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले परचेज का अकाउंट बनाएंगे, क्या करेंगे परचेज को, डेबिट कर देंगे, डेबिट कर दिया। क्रेडिट कौन करेगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम, तो कोई क्वेश्चन में कैश लिखा हुआ है नहीं, पार्ट और कैश नहीं लिखा हुआ है, जब कैश नहीं लिखा हुआ है मतलब उधार है, जब भी क्वेश्चन में कैश का जिक्र नहीं है मतलब उधार है, उधार होता है तो क्या लिखते हैं, पार्टी का नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पार्टी का नाम, भी जस्ट बोला हूं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू यस के ट्रेडर। पीछे सबको समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये बार, समझो आपके लिए रामबाण का काम करेगा अगर दिमाग में सेट कर लेंगे तो, ये वाला। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए परचेज का अकाउंट है, परचेज का अकाउंट बनाएंगे, परचेज बनाएंगे ना, चलिए परचेज बनाएंगे, क्या कर देंगे उसको, डेबिट कर देंगे। क्रेडिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम, टू लगा लीजिए, या तो कैश लिखेंगे या तो पार्टी का नाम। अच्छा क्वेश्चन में कहीं कैश का जिक्र है नहीं, यानी उधार होगा, तो पार्टी का नाम है कहीं, वो भी नहीं है, तो जब क्वेश्चन में ना पार्टी का नाम होता है ना कैश का जिक्र होता है, दोनों का जिक्र नहीं है, उस वक्त हम कैश का ही अकाउंट बनाते हैं। सुन लीजिए फिर से मेरी बात, जब क्वेश्चन में जब पार्टी का जिक्र वही ना हो, कैश का भी जिक्र ना हो, तो हम किसका अकाउंट बनाते हैं, कैशी का बनाते हैं, तो यहाँ क्या बना देंगे, कैश। और अमाउंट लिखते जाएंगे, अमाउंट सब में लिखेंगे, 2000 2000 2000 2000 लिखेंगे, क्यों, कि हमेशा क्रेडिट का बैलेंस डेबिट के बैलेंस के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए और सॉल्यूशन लिखिए। आज का